तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग आए हैं एक गांव में, एक ऐसा जगह है जो कि काफ़ी तगड़ा वहां का लोकेशन है। तो फ्रेंड अभी हम लोग वहां आए हैं फिलहाल। तो खांसी भी हो रही है अभी ऊपर जाने में, तो चलते हैं अभी ऊपर हम लोग, तो दिखाएंगे ऊपर से आप लोगों को क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम इस वीडियो में। तो फिलहाल बने रहिएगा और आप लोग को भी ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो देख लीजिए, मेरा एक फ्रेंड था जो कि साथ में आए थे और हम लोग ऊपर जा रहे हैं रील शूट करने। तो फिलहाल इस ब्लॉग में बने रहिएगा, जो सीन आपको दिखाएंगे वो काफी तगड़ा होने वाला है। तो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम लोग अपने गांव से 30-40 किलोमीटर दूर आए हैं इस पुल को देखने, जो कि मैं पहली बार भी आ रहा हूँ इस पुल पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पुल जो कि रेलवे फाटक है। गांव में बहुत ऐसा कम सीन देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं अपने गांव से 30-40 किलोमीटर हट के जो गांव है वहां आए थे हम लोग घूमने। तो चलिए और दिखाते हैं अंदर की ओर आप लोगों को अंदर का सीन, और अंदर से जाके आप लोगों को दिखाएंगे नदी, और बीच में जाने के बाद दोस्तों और काफी सीन देखने का मजा आएगा। तो चलिए और चलते हैं अंदर की ओर। देख सकते हैं आप लोग कैसा है ये रेलवे फाटक पुल, और इधर भी देख सकते हैं शायद ये भी कोई पिलर ही है जो कि हमारे जमाने का तो नहीं लगता, शायद अंग्रेज का जमाना का होगा। तो देख सकते हैं आप लोग ये रेलवे फाटक पुल, और नीचे का जो नदी है दोस्तों पानी बह रहा। तो देख सकते हैं आप लोग, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये ब्रिज आप लोगों को मेरे गांव से हटकर, जो एक गांव है 40 किलोमीटर वहां आए थे हम लोग। और बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा ये रेलवे फाटक ब्रिज आप लोगों को, और ये और बताइएगा आप लोग कि ये पुल आप लोगों को कैसा लगा। तो फिलहाल ऐसे ऐसे जगहों पे दोस्तों खतरा भी रहता है, तो अगर आप भी ऐसे जगहों पर कहीं जाओ घूमने तो सावधानी बरते। देख सकते जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका फोन गिरने से बच गया था। तो आप लोग भी कहीं जाओ तो अपना सावधानी, अपना सेफ्टी खुद करें। तो फिलहाल बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।